हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर नंबर 6, क्लास 7th से है। ये चैप्टर का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज हम करेंगे इसके ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 129। मैंने आपको ट्राई दिस थोड़ा सा इसके 3 पार्ट्स करा दिए थे, आज मैं आपको ये कम्प्लीट ही करा दूँगी। फाइंड द अननोन लेंथ इन द गिवन फिगर्स। पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसके अंदर अप्लाई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइंगल दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो 2 लेग्स हैं वे दे रखी हैं 3 और 4, और हमें निकालनी है हाइपोटेन्यूज। तो जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं उसको। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, नेम द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, इट विल बी आंसर होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अप्लाइंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स दे रखा है, ठीक है। एक्स का स्केयर इज इक्वल टू जो फर्स्ट लेग दे रखी है हमें उसका स्केयर प्लस सेकेंड लेग दे रखी है उसका स्केयर। इसको हम परपेंडिकुलर और बेस भी बोल सकते हैं। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, 3 का स्केयर कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, 4 × 4 16, ये हो जाएगा हमारा 25। एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 इज इक्वल टू 5 का स्केयर, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर, स्केयर से यहाँ पे स्केयर कट जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो एक्स क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 5। सेकेंड पार्ट फिगर दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इसके अंदर। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ फर्स्ट लेग प्लस स्केयर ऑफ सेकेंड लेग। यहाँ पे ये फर्स्ट लेग हो जाएगी, ये सेकेंड लेग हो जाएगी, आप इसको फर्स्ट या इसको सेकेंड भी ले सकते हैं। 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का स्केयर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, मिला के दोनों ऐड करके 100 हो जाएगा। x का स्केयर हो जाएगा यहाँ पे 10 का स्केयर, 10 × 10 इज इक्वल टू 100, स्केयर से यहाँ पे स्केयर कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें ट्राइंगल दे रखी है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ फर्स्ट लेग प्लस स्केयर ऑफ सेकेंड लेग। 15 का स्केयर, 15 × 15 225, 8 × 8 हो जाएगा 64, दोनों का ऐड कर देंगे 289। अब एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। अब हम 289 का भी स्केयर रूट निकाल लेंगे। तो स्केयर रूट कैसे निकालते हैं, हम पीछे से पेयर बनाते हैं, 89 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे केवल 2 बच जाता है, तो 1 ऊपर लिख देंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1 बच जाएगा, 89 जो पेयर बचा हुआ उसको हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो 1 लिखा था इसका हम इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 का डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और जो डिजिट हमने यहाँ पे लिखनी है वही डिजिट हमने ऊपर भी लिखनी है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, ऊपर भी 7 ही लिखेंगे, तो 27 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 189 आएगा, काट दें, ठीक है, ये लेस करेंगे 189 में से 189, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 17 का स्केयर, और एक्स आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 17 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल हमारी उल्टी दे रखी है, लेकिन इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमें निकालना है।
तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट लेग प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड लेग। फर्स्ट लेग देखिए 24 × 24 कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 × 7 49 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 625 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कैसे आएगा, हम 625 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इस तरह से यहाँ पे पेयर ले लेंगे, 25 का एक पेयर बन जाएगा, 6 का अलग से आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल है। 2 × 2 = 4 ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पे इसके बाद हम 25 ऊपर से उतार लेंगे तो 225 जो यहाँ पे मैंने 2 लिखा था इसका हम डबल कर देंगे 2 × 2 = 4। अब यहाँ पे हमने वो डिजिट लिखनी है जो ऊपर भी लिखनी है और यहाँ पे भी लिखनी है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे तो 5 को 45 से मल्टीप्लाई करें 225 आएगा और ये बिल्कुल 0 बच जाएगा लास्ट में। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। नेक्स्ट है हमारा 5th पार्ट। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे रखी है और बीच में यहाँ पे एक लाइन बना रखी है, ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके अंदर। तो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये वाली हमारी साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा बेस है इस ट्रायंगल का, कंप्लीट ट्रायंगल का जो बेस है इसको हमें एक्स दे रखा है, तो एक्स को हम क्या मान लेंगे, एक्स को हम मान लेंगे वाई प्लस वाई ठीक है। अब हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल लेंगे, हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे इधर वाली ठीक है, इसको हम ट्रायंगल का नाम लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ लिख देंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस क्या है 37 दे रखा है हमें, हमें यहाँ पे लेग निकालनी है, बेस निकालना है इसका। एक लेग दे रखी है हमें 12 और दूसरी लेग को हमने वाई मान लिया है। 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37 का स्क्वायर यहाँ पे ये 12 इधर आ जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर। वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 37 को हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1369 माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, इसको हम लेस कर देंगे ये आ जाएगा 1225। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम इसके पेयर बनाएंगे। सबसे पहले राइट साइड से शुरू करेंगे, 25 का एक पेयर बन जाएगा, 12 का एक पेयर बन जाएगा, 3 × 3 = 9, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 25 नीचे उतार लेंगे, जो मैंने 3 ऊपर लिखा था इसका हम डबल कर देंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह की डिजिट लिखनी है वही सेम ऊपर आनी चाहिए, 5 लिख देंगे, 5 पे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 35। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर, वाई कितना आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और वाई आ जाएगा 35। तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स क्या है, वाई प्लस वाई है क्योंकि सेम दे रखा है, यहाँ पे भी 37 है और ये भी 12 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 35 + 35 इज इक्वल टू 70। नेक्स्ट है 6th पार्ट, हमें ट्रायंगल दे रखी है ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस ठीक है। तो मैंने इस ट्रायंगल को ईजी बना दिया है, इस ट्रायंगल को मैंने सीधा करके बना दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ये फर्स्ट लेग है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये सेकेंड लेग है एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 3 का स्क्वायर है इधर आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 12 × 12 इज इक्वल टू 144। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 9,
ये आ जाएगा हमारा, लेस कर देंगे 144 में से 9, 135, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 135। तो इसी के साथ हमारे ट्राइज़ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको शुरू करा रही हूँ चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। थैंक यू बच्चों।